तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने पेंगोल झील में दूसरा पुल बनाना किया शुरू, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, तो मोदी अमित शाह के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बोली कंगना रनौत, कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिल गए हैं बाबा, यहाँ के कड़कड़ में है महादेव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू धर्म की अखिलेश यादव ने खूब की बुराई। अखिलेश यादव बोले हमारे धर्म में कहीं पर पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो समझ लो बन गया मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोटियाल ने दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिए निर्देश, बोले मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर को स्कूल में लगाएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुतुब मीनार को लेकर एएसआई के पूर्व अधिकारी ने किया दावा, कुतुब मीनार को एएसआई के पूर्व अधिकारी ने बताया सूर्य स्तंभ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी को लगा बड़ा झटका। पूर्वी लद्दाख में पेंगोल झील के पास दूसरा पुल बना रहा है चीन, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, तो मोदी के उड़े होश। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि चीन से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोल झील के पास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है, इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। जैसे ही सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ तो मोदी अमित शाह के होश उड़ गए। हालांकि इस नए निर्माण को लेकर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं आई है। दरअसल आपको बता दें कि नया पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बनाया जा रहा है। बता दें कि चीन ने इससे पहले भी इस इलाके में एक पुल का निर्माण किया था। अगर दोस्तों इस पुल का निर्माण होता है तो भारत में चीन की सेना को आने में सिर्फ 5 मिनट लेंगे, और ये पुल बन गया तो मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू धर्म पर बरसे अखिलेश यादव, बोले हमारे धर्म में कहीं पर पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, समझ लो बन गया मंदिर। या दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अयोध्या में ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर 1991 में संसद द्वारा पारित कानून का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट के लीक होने पर सवाल उठाते उठाते अखिलेश यादव ने सीधे सीधे हिंदू धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया और मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर से वापस लखनऊ लौटते समय अखिलेश यादव कुछ देर के लिए अयोध्या में रुके। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के नीचे तो समझ लो मंदिर बन गया। अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एक ऐसा समय भी था जब रात के अंधेरे में मस्जिदों में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी करा सकती है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें कही हैं कि कहीं पर भी हम मंदिर बना लेते हैं पत्थर रख के। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंची कंगना रनौत, बोली यहां के कण कण में है महादेव। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी कहे जाने वाले काशी में इस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर की जा रही सुनवाई पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस बीच बुधवार शाम बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची। वहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जब उनसे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सवाल पूछा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि काशी के कण कण में भगवान शिव है और यहाँ पर और कुछ नहीं है। यानी उनका सीधा कहना है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो भी एक मंदिर है और वहाँ पर भी महादेव ठहरे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कंगना रनौत भी एक बार फिर से मुस्लिम विरोधी बयान दे चुकी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोटियाल ने दिया इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोटियाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपना त्याग पत्र जारी किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि त्याग पत्र पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवा तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं आपको बता दें कि 13 महीने तक पार्टी में कर्नल कोटिया रहे थे और 13 महीने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी ने दिए स्कूलों को निर्देश, कहा स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। दोस्तों
आपको बता दे, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया दिखाया। अब एक बार फिर से सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन के बाद जिन लाउड स्पीकर को हटाया गया है वह फिर से नहीं लगने चाहिए। अगर दोबारा से उतारे हुए लाउड स्पीकर लगते हैं तो इलाकों के थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लाउड स्पीकर स्कूल में लगाए जाए। योगी ने साफ तौर से कहा है कि जो भी मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पीकर बीते दिनों उतारे गए हैं उन सभी लाउड स्पीकरों को अब स्कूलों में लगाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेताओं ने हार्दिक पटेल पर लगाया आरोप, कहा 6 सालों से बीजेपी के संपर्क में थे हार्दिक पटेल। या दोस्तों आपको बता दें कि बीते 4 दिनों में कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका जो है गुजरात से लगा है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, वहीं अब गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने आखिरकार बुधवार को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए हार्दिक पटेल का पार्टी छोड़ना बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हार्दिक पटेल 6 साल से बीजेपी के संपर्क में थे। लगातार कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले हार्दिक पटेल ने पार्टी को गुड बॉय बोल दिया है। हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के साथ अब गुजरात में पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। किसी ने उनको बेईमान तो किसी ने उनको अवसरवादी करार दिया। साथ ही आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों से बीजेपी के संपर्क में भय हैं और गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस्तीफे में जो शब्द उन्होंने लिखे हैं वो बीजेपी के हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ASI के पूर्व अधिकारी ने कुतुब मीनार को बताया सूर्य स्तंभ सबूत के तौर पर दिए कई तर्क। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फुवारा बता रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और इसे सूर्य स्तंभ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कई तथ्य भी दिए हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने कुतुब मीनार को सूर्य स्तंभ बताते हुए कहा कि यह मीनार एक वेधशाला है जिसमें नक्षत्रों की गणना की जाती है। उन्होंने कहा कि 27 नक्षत्रों की गणना के लिए इस स्तंभ में दूरबीन वाले 27 स्थान भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुतुब मीनार की 3री मंजिल पर सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब धीरे धीरे मुसलमानों की सभी चीज़ों को मंदिर बनाने की साजिश हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों की सभी मांगों को किया स्वीकार, प्रदर्शन समाप्त। यह दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों की कई मांगों को मान लिया है, जिसके बाद राज्य के किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर बुधवार को अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। इससे पहले 20 से अधिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां पंजाब भवन में मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ लंबी बैठक की। मान ने किसानों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए धान की 14 और 17 जून को अलग अलग बुवाई के नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इस तरह बुवाई के लिए क्षेत्रों की संख्या पहले के 4 के मुकाबले केवल 2 तक सीमित कर दी गई है। हालांकि सीमा पर बाढ़ के 5 क्षेत्रों को क्षेत्रीय पाबंदियों से अलग रखा गया है और इस क्षेत्र के किसानों को 10 जून से धान बोने की अनुमति दी गई है। मतलब है कि इससे पहले पूरे राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटकर धान की बुवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया था। इसके लिए 18, 22, 24 और 26 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन किसान संघों ने इस कार्यक्रम को खारिज कर दिया था, जिसके बाद किसानों ने इसका विरोध भी किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश सरकार का 33 करोड़ का हेलीकॉप्टर अब कबाड़ में भी नहीं खरीद रहा कोई, 7 साल में निकले 7 टेंडर। जय दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 1998 में खरीदे गए हेलीकॉप्टर की नीलामी के लिए पिछले 7 सालों से लगातार टेंडर निकाला जा रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए फिर से टेंडर की तकनीकी बिड बुलाई है। हेलीकॉप्टर की नीलामी अब 31 मई को होगी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 7 साल पहले एक हेलीकॉप्टर बेल पर लिया था। वहीं आपको बता दें कि नीलामी होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी ऑफसेट वैल्यू अधिक रखी गई है और अब एक बार फिर टेंडर की बिड 31 मई को खाली हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 2003 में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त राज्य सरकार के बेल 430 VT MPS हेलीकॉप्टर 2003 में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब फिल्म गायिका अनुराधा पौडवाल हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राज्य सरकार ने इसका क्लेम करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इसे रिपेयर कराएगा। लेकिन साल 2013 के बाद इसकी उड़ान लगभग बंद है क्योंकि इसकी निर्माता कंपनी रायल ने इसके पुर्जों का निर्माण ही बंद कर दिया। इसके बाद से ही
ये बेकार पड़ा हुआ है और सरकार इसे बेचने की बतेरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोई इसे खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।